हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉब्स मैथड एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्टीन्यूस वेरिएशन मैथड ओके सो ये मैथड जो हैं वो हमारे स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की यूनिट में यूनिट के अंडर आते हैं ओके जो कि इन ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैथड्स हैं सो so, uh, अगर हम जॉब्स मेथड की बात करें तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के अंडर आता है और इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास मेटल आयन के और लाइगन सॉल्यूशन के सेम कंसंट्रेशन के मिक्सचर जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं ओके एंड

ठीक है बट जो टोटल है वो हमारे पास टेन ही रह रहा है ठीक है तो ये हम करेंगे जॉब्स मेथड में या कंटिन्यूस वेरिएशन मेथड में और ऐसा करने पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन की टर्म्स आएंगी उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे सी एल प्लस सी एम सी एल इज कंसेंट्रेशन ऑफ लाइगेंट सी एम इज कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल एंड इट्स इक्वल टू द टोटल कंसेंट्रेशन माइनस वन ओके और इस इसी वैल्यू को जब हम मोल्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम इसको वैल्यू को सी से डिवाइड कर देंगे इफ़ द अबव इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल कंसेंट्रेशन सी देन ऑल द कंसेंट्रेशन टर्म चेंज इनटू मोल फ्रैक्शन ठीक है सो ये देखिए हमने पिछली टर्म को जो है सी के साथ डिवाइड कर दिया तो कुछ इस तरह की हमारे पास आ, इक्वेशन आ जाएगी x इज सी एल अपॉन सी एंड सी अपॉन सी विकम वन और ये जो x है वो मोल फ्रैक्शन है किसकी लाइगेंट की और वन माइनस एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ मेटल आयन ठीक है तो जनरली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम दैट इज एन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ लाइगेंट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन और उसमें हम क्या लेंगे मोल फ्रैक्शन को ठीक है तो हमने ऊपर देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइगेंट क्या है हमारे पास एक्स है और मेटल लाइन की क्या है वन अबॉन एक्स तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि काफ़ी सिंपल थी अब हम बात करते हैं ग्राफ की तो ग्राफ जो है वो हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ लाइगेंट के बीच में बनेगा जो कि हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू ही मेजर होगा और इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा प्लोटिंग लेग्स होनी चाहिए कर्व में ठीक है और लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन में ये आता है कि मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास वन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ठीक है एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जब हम मेटल और लाइगेंट को मिक्स uh, कर रहे हैं और उसकी जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम है उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए तभी uh, वो जो रिएक्शन है प्रोसीड होगा या मैथड है एप्लीकेबल होगा सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब्स मैथड होप यू ऑल लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Thank you.